हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंजू किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मोदक। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, इसको हम चढ़ा देते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब घी डाल देते हैं। मैं यहाँ घी भी बना रही हूँ, आप चाहे तो बटर में बना सकते हैं। इसको मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, छान के साफ करके ले लिया है। इसको हम डाल देते हैं। इसको हम भूजेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए, मुझे 1 मिनट भूजते हुए 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 यहाँ पे इसको हम कच्चापन निकलने तक इसको भूज लेंगे। इसको कलर नहीं चेंज करना है। यहाँ पे देखिए, हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे हम डिस्क कोकोनट डाल देते हैं, आधी कटोरी से कम। इसको भी भूज लेंगे इसी में। यहाँ पे देखिए, हमने नारियल को भूज लिया है। अब यहाँ पे चीनी डाल देते हैं, आधी कटोरी से कम लिया है। यहाँ पे हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पे हमने बादाम और काजू काट के रखे थे, उसको भी डाल देते हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसका हम डोर एकदम जो डोर बनाएं जैसा, हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा डो बनके तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे मिक्सर अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे, इसकी क्लिप लगा देंगे। इसको अच्छे से हम दबा दबा के भर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे बहुत अच्छे मोदक बन के तैयार हैं। इसी तरह हम सारे मोदक बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, 1 कटोरी हमारे बेसन के मोदक तैयार हैं बनकर। आप लोग बना के खाइए इस गणेश चतुर्थी पे, और ज़रूर बताइए कैसी लगी रेसिपी।